खबर इंडिया 7। कंपटीशन के इस दौर में युवा अपने करियर को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। करियर को लेकर उनके जहन में बहुत से सवाल होते हैं। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब के लिए हम एक सहनपुर के नामी गांव में इंस्टीट्यूट में पहुंचे हैं और यहां पर हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। Myself is शालू राजपूत। अच्छा, ये जो आपका इंस्टीट्यूट है इसको आप कितने दिन से चल रहा है? इसको हो गया 10-12 years। तो यहाँ पे किन किन सब्जेक्ट्स की आपको? यहाँ पर IIT एंड मेडिकल की कोचिंग होती है। तो मैडम बताएंगे इस साल जो है आपके क्या रिजल्ट रहे हैं? JEE मेंस का 58 का रहा है हमारा रिजल्ट जो है बच्चों का, और जो एडवांस का है वो 11 स्टूडेंट्स हुए हैं, नीट का 21 स्टूडेंट्स का हुआ है। तो इसके अलावा और क्या क्या फैकल्टीज, मतलब क्या क्या आप उनको? बेस्ट रहती है, कुछ आउट ऑफ सहारनपुर रहे हैं एंड कुछ यहीं से हैं, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा ही जाता है हमारा हर साल। इस साल भी बहुत अच्छा गया है। कुछ एक्स्ट्रा कराती हैं इसके अलावा? एक्स्ट्रा में हम यही 9th, 10th, 11th, 12th में एकेडमिक प्लस कंपटीशन कराते हैं उनको इंजीनियरिंग का। तो जैसा कि हमें यहाँ पर बताया गया है कि इनके इंस्टीट्यूट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी कराई जाती हैं, तो आइए हम यहाँ के स्टूडेंट से ही जानते हैं कि किस तरह से उनको यहाँ पर तैयारी की जाती है। अपने करियर के लिए तैयारी कर रहे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी, आइए हम उनसे जानते हैं किस क्षेत्र की, किस फील्ड की वो तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी का क्या मापदंड है। जी, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम ईशु है। और किस कक्षा में आप पढ़ते हैं? सर, मैं IIT JEE एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप किस संस्थान से ये तैयारी कर रहे हैं? सर, मैं गुरु द्रोणाचार्य से ये तैयारी कर रहा हूँ। सर, मैं मेडिकल के लिए तैयारी कर रही हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो आप किस इंस्टीट्यूट से ये तैयारी कर रहे हैं? द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट से। आपने द्रोणाचार्य क्यों चुना? सहारनपुर में या दिल्ली में या देहरादून में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो आप यहीं पर रह के तैयारी करें? कि मैं अपने एरिया का नाम रोशन करना चाहती हूँ और ये हमारे सहारनपुर का फेमस इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई जाती है, यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैंने यहीं से। यहाँ के जो पढ़ाने के तरीके हैं, जो मेथड है, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, यहाँ का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है सर, हर तरह से सेटिस्फाई करते हैं, क्वेश्चन बार बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम होती है वो साथ के साथ सॉल्व होती है और एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। हमने गुरु द्रोणाचार्य से नहीं चुना क्योंकि हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो भी यहीं से निकले हैं। ये तो और भी कॉलेज है, बट जो मेरे रिलेटिव्स हैं और यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं वो आज अच्छी मुकाम पर है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको पसंद करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप कितना घंटा पढ़ती हैं? मैं लगभग 8 घंटे पढ़ती हूँ। और जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी क्या सपोर्ट रहती है? उनकी सपोर्ट है कि बेटा मतलब जितना भी आप पढ़ोगे हम पढ़ाएंगे, और मतलब बार बार में भी पैसे भी मतलब हर चीज़ मेरे उसमें मतलब मेरा हर साथ देते हैं हर जगह। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली जाते हैं, देहरादून जाते हैं, लेकिन आप यहीं सहारनपुर में रह कर द्रोणाचार्य में जो स्टडी कर रही हैं, इसका क्या बड़ा कारण मान? इसका बड़ा कारण यह है कि मैं यहीं से जब कामयाब हो जाऊँगी तो इसीलिए मैं बाहर नहीं जाना चाहती। पूरा यकीन है आपको? जी। क्या बनेंगे आप? डॉक्टर। मुझे 100% डॉक्टर बनना है और बनना ही है, बनूंगी मैं और देश की सेवा करूंगी और बहुत गरीब लोगों की मैं सेवा करूंगी। सर, मेरा नाम आयुष कुमार है और मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप किस इंस्टीट्यूट से ये तैयारी कर रहे हैं? सर, इंस्टीट्यूट का नेम है गुरु द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट। तो आपने यही इंस्टीट्यूट को चुना है? सर, इसमें बेस्ट फैसिलिटी है, जो यहाँ के टीचर्स हैं वो बेस्ट पढ़ाते हैं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ से जरूर कामयाब होऊंगा और एक बड़ा इंजीनियर बनूंगा। अच्छा, तो इसके अलावा, इंस्टीट्यूट के अलावा अपने घर में कितने घंटे पढ़ते हैं और आपकी फैमिली सपोर्ट क्या है? सर, माता पिता की, जो मेरी माता पिता मुझे सपोर्ट करते हैं और जो मेरी स्टडी है वो मैं अराउंड 2-8 आवर्स करता हूँ अपनी घर पे। तो आपको क्या लगता है आप सफल हो पाएंगे? जी, मुझे पूरा पक्का कॉन्फिडेंस अपने वहाँ पर कि मैं सफल होऊंगा, 100% सफल होऊंगा। तो जैसा कि आपने देखा,
अपने अपने करियर के लिए अलग अलग फील्ड से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको पूरा विश्वास है कि अपने इस काम अपने इस फील्ड में वो जरूर कामयाब होंगे, उपलब्धि प्राप्त करेंगे और अपने संस्थान, अपने गांव, अपने शहर और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। आज हम आपके सामने एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट लेकर आए हैं, विषय है युवाओं की कामयाबी का, उनकी उपलब्धियों का और उनके भविष्य का। अक्सर देखा जाता है कि युवा अपने करियर को लेकर बहुत ही चिंतित होते हैं, उन्हें यह समझ नहीं आता कि किस समय और किस फील्ड की उनकी तैयारी करनी चाहिए। भविष्य से जुड़ी, करियर से जुड़ी इन्हीं कुछ समस्याओं के समाधान के लिए आज हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुरु द्रोणाचार्य के MD आशीष कुमार उमराव जी। आइए इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट को अपने करियर के लिए तैयारी करनी चाहिए। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर स्टूडेंट को किस फील्ड के लिए और किस समय और कितनी बेहतर तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ये स्टूडेंट की क्षमता पे डिपेंड करता है, दूसरी चीज़ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। सबसे पहले स्टूडेंट और स्टूडेंट के गार्जियंस को स्टूडेंट की क्षमता का आकलन करना चाहिए। क्षमता का आकलन कैसे करेंगे? जो 12th के मार्क्स हैं या 10th के मार्क्स हैं उसके आधार पर आकलन कर सकते हैं, या जैसे हमारे यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसी तरह अलग अलग संस्थानों में एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उसके आधार पर क्षमता का आकलन कर सकते हैं। दूसरा, सबसे बड़ी बात जो है कि बच्चे को इंटरेस्ट किस फील्ड में है। कुछ चीज़ें तो हमें स्ट्रीम से डिसाइड हो जाती हैं। सपोज अगर हम PCM लेते हैं या बायो स्ट्रीम में जाते हैं तो हमारा टारगेट है कि हम मेडिकल फील्ड में जाएंगे, या हम मैथ्स लेते हैं तो इट मीन्स हम इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं। तो जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसी से रिलेटेड स्ट्रीम 11th 12th में हम लेते हैं, पहले से डिसाइडेड होता है। फिर भी अगर परसेंटेज को लेके कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर हमारे पास बच्चे आ सकते हैं। अगर उनको करियर संबंधी चुनाव करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है हमसे आके सवाल जवाब कर सकते हैं, हम हमेशा बच्चों के लिए तैयार रहते हैं। एक चीज़ और बताइए कि अक्सर ये एक तरह का मिथ है कि दिल्ली में या देहरादून में या अलग दूसरी शहरों में जाकर बच्चे ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, ज़्यादा उस तरफ देखना चाहते हैं कि वहाँ पे अच्छी तैयारी होती है, सहारनपुर में अच्छी तैयारी नहीं होती, इसके बारे में क्या कहें? देखिए एक्चुअली क्या है, जैसे हमारे कोचिंग से रिलेटेड है, हम लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं, तो मार्केट जो था कोचिंग पहले से दिल्ली और या कोटा जैसे शहरों में पहले से वहाँ पे स्थापित थी, हम लोग यहाँ पे बाद में आए, तो वहाँ पे क्या है कि उनका एडवर्टीजमेंट और वो सारी चीज़ें देख के बच्चा उधर को प्रभावित होता है, क्योंकि बड़े लेवल पे एडवर्टीजमेंट करते हैं, देशव्यापी एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रदेश स्तर पर एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो उस पर प्रभावित होता है। अब जैसे हम अगर रेशियो वाइज हम आकलन करें तो कोटा जैसे शहर में अराउंड आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 लाख बच्चा हर साल कोचिंग करने जाता है, और एक इंस्टीट्यूट में किसी 1 लाख बच्चा पढ़ रहा है, और सपोज वहाँ से अगर 500 या 700 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो वो रिजल्ट में तो वही चीज़ दिखाते हैं कि हमारे 500-700 बच्चे, लेकिन अगर रेशियो देखें तो बहुत कम रेशियो होता है। अब हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास इस साल इंजीनियरिंग में अराउंड 75% बच्चों ने सफलता पाई है, मेडिकल में अराउंड 50% बच्चों ने सफलता पाई है, कि जो कि कोटा और दिल्ली जैसे संस्थानों से रेशियो कहीं अधिक है। क्या मेथड क्या है आपका पढ़ाने का? जैसे आपने अपनी अचीवमेंट बताई है तो किस तरह से आप पढ़ाते हैं, क्या मेथड है? जनरली क्या होता है इस तरह की कोचिंग फील्ड में, बेसिकली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग रन करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जैसे कोटा दिल्ली की बात करें, 2 या 3 दिन स्टडी कराते हैं, बाकी 3 दिन टेस्ट के लिए या बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए बोलते हैं। हमारे पास खास बात यह है कि हम 6 के 6 दिन इनको सप्ताह में 6 दिन स्टडी कराते हैं। दूसरा, साप्ताहिक टेस्ट इनको प्रॉपरली टॉपिक वाइज लेते हैं, जिससे बच्चे के जो भी डाउट्स हैं साथ के साथ निकल आएँ और टीचर से डिस्कशन करके वो चीज़ निकल आए। तो एक तो रेगुलर स्टडी की बात है हमारे पास, दूसरा समय समय पर टेस्ट लिए जाते हैं जिससे बच्चे का टॉपिक डीपली प्रिपेयर हो जाता है और वो आगे चल के किसी भी तरह की प्रॉब्लम करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जिससे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जब देता है तो उस पर आए हुए क्वेश्चन ऑलरेडी हम इतना करा देते हैं कि उसको वो पेपर नया नहीं लगता है,
और 50% क्वेश्चन तो बड़ी इजीली कर लेता है और बाकी में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन वो पेपर को अच्छे से कर सकता है। आपके लिए सफलता का मूल मंत्र क्या है, क्या मानते हैं आप? देखिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में सफलता के लिए एक तो मैंने बताया आपको, एक रेगुलर स्टडी, समय समय पर समयबद्ध तरीके से टेस्ट, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चे को, साथ साथ उनका निराकरण होना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चा नेक्स्ट टॉपिक में जाएगा तो उसके पास बिल्कुल बोझ नहीं रहेगा और वो टॉपिक को अच्छे से तैयार कर पाएगा। और 6 से 8 घंटे की स्टडी घर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 100% बच्चा सफल होगा अगर इस चीज़ को फॉलो करता है। तो ये थे हमारे साथ गुरु द्रोणाचार्य के MD आशीष कुमार उमराव जी, जिन्होंने बताया कि स्टूडेंट को किस तरह से और किस रेशो में तैयारी करनी चाहिए। खबर इंडिया 7 के लिए मैं मनीष कुमार, सहारनपुर। खबर इंडिया 7।